नमस्कार मित्रों, ये जो मेरा वीडियो है वो जो रिज़र्व बैंक और भारत के प्रधानमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर ये तीन लोग मिलके जो योजना बना रहे हैं भारत के मंदिरों का सोना लूटने की, उसके ऊपर है और वो लूट कैसे चलाएंगे और हम कैसे रोक सकते हैं इसके ऊपर। तो एक तो जो हमारे भारत के, मैं उसे अमेरिकाज वॉइस रॉय टू इंडिया बोलता हूँ, मनमोहन सिंह है, मैं उसे भारत का प्रधानमंत्री मानता ही नहीं हूँ। टेक्निकल है वो, ठीक है, टेक्निकली भारत का प्रधानमंत्री है, पर वो भारत का है ही नहीं, वो वॉइस रॉय है। ही इज़ अमेरिकाज वॉइस रॉय अपॉइंटेड टू इंडिया। जो रघुराम राजन है वो भी रॉसचाइल्ड का आदमी है, IMF का एजेंट है, और IMF ने उसको ये रिज़र्व बैंक का चेयरमैन बनवा दिया। और चिदंबरम तो वैसे ही सर से पांव तक बिका हुआ और भ्रष्ट करप्ट आदमी एकदम। तो अब अमेरिका ये जो सोना है वो लूटना चाहता है, तो हमारा बहुत सारा सोना मंदिरों में है, तो मंदिरों का सोना लूटने के लिए अभी रिज़र्व बैंक ने जो योजना बनाई, ये पूरी योजना उनकी भी शायद बनी नहीं होगी, शायद उनके लिए भी प्राइमरी स्टेज में होगी, कि उन्होंने बहुत सारे मंदिरों को राइटिंग में लिखा है, ऑर्डर दिया है कि तुम्हारे पास कितना सोना है हमको बताओ। मतलब चोर पहले जानकारी इकट्ठा करता है ना चोरी करने से पहले, कि भाई किस घर में पहले चोरी की जाए, किस घर में बाद में चोरी की जाए। तो इंटेंशन तो उन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था, अलग अलग ट्रायल बलून बोलते हैं इसको, मतलब कि एक गुब्बारे की तरह बात छोड़ेंगे और देखोगे कि लोगों का क्या प्रतिभाव आ रहा है, मीडिया का क्या प्रतिभाव आ रहा है, लोगों का क्या प्रतिभाव आ रहा है। तो लोगों का प्रतिभाव तो कुछ अच्छा नहीं आया, अधिकतर लोग तो इसको खिलाफ है, पर देखा कि भाई हाँ, इसका कोई बहुत बड़ा विरोध नहीं होने वाला, बीजेपी ने कोई ज़्यादा विरोध नहीं किया, और बीजेपी तो क्या है, बीजेपी के जो MP MLA है वो तो क्या है, उनको दे दो थोड़ा लूट का हिस्सा 5-10% उनके हिसाब से, तो वो तो किसी और मुद्दे पे चर्चा करना शुरू कर देंगे और इस मुद्दे को नज़रअंदाज कर देंगे। और बाकी जो पार्टियां हैं CPM, वो तो पहले से एग्री है कि मंदिरों को लूट लो, बहुजन समाज पार्टी, मुलायम यादव की पार्टी, लालू यादव की पार्टी, वो तो एग्री करती है कि मंदिरों को सोना लूट लेना चाहिए। इसमें एक जो चिंता की बात ये है, क्योंकि मैंने वीडियो इसलिए बनाया कि भाई सरकार को जो करना है करे, क्या फ़र्क पड़ने वाला है, पर फ़र्क पड़ने वाला है ऐसा क्यों लगा कि जो बॉम्बे का सिद्धि विनायक ट्रस्ट है, आप गूगल करना सिद्धि विनायक ट्रस्ट मुंबई गोल्ड टेम्पल RBI, ये 5-6 कीवर्ड डालोगे तो आपको खबर मिलेगी कि बॉम्बे का जो सिद्धि विनायक ट्रस्ट है, जिसके अंदर 4-5 मंदिर आते हैं, बड़े मंदिर आते हैं, उसने, उसके ट्रस्टियों ने एक स्टेटमेंट दिया कि भारत पर जो संकट है उसको दूर करने के लिए हम अपना सहयोग देने को तैयार है, यानी कि वो अपना सोना भारत सरकार को बेचने के लिए तैयार है, देने के लिए तैयार है। यानी वो मंदिर में कुछ ट्रस्टी गवर्नमेंट के होंगे, क्योंकि बहुत सारे ट्रस्टों पे, धार्मिक ट्रस्टों पे गवर्नमेंट ने कंट्रोल करके रखा है, और बहुत सारे ट्रस्ट होंगे जो कि प्राइवेट है, लेकिन सरकार के अधिकारी उनको डराते हैं कि इस पे साइन करो वरना तुम्हारे सामने ये केस ठोक देंगे, वो केस ठोक देंगे। जैसे बहुत साल पहले की बात है, कुछ 2005 या 2006 की बात है, कि अमरनाथ का मंदिर था कश्मीर में, उसके आसपास सब वीरान जगह है, कोई पेड़ पौधे भी नहीं उगते, वहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, तो वहाँ पे जो यात्री आते हैं उनके आसपास कुछ खड़े रहने, मतलब छांव में खड़े रहने की, या तो पानी पीने की, या तो इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, तो आसपास की कुछ 10-15 एकड़ ज़मीन मंदिर ने किराए पे ली थी, शर्त पे कि हम स्ट्रक्चर नहीं बांधेंगे, बांस के स्ट्रक्चर बांधेंगे, और वो भी जब यात्रा समाप्त होगी तो वो यात्रा समाप्ति पे सारे ख़त्म कर देंगे। तो कश्मीर में जो अलग पाकिस्तानी एलिमेंट है उन्होंने इसके विरोध में आंदोलन किया, तो मनमोहन सिंह ने अमरनाथ के ट्रस्टियों को दिल्ली बुलाया और उनको धमका के कागज़ पे लिखवाया कि हमको इस ज़मीन की कोई ज़रूरत नहीं है, हम ये ज़मीन वापस कर रहे हैं, और ऐसा किया तो फिर दूसरे दिन जम्मू में बवाल हो गया कि भाई ये क्या ज़मीन की ज़रूरत नहीं है, फिर ट्रस्टियों ने फिर रेजिग्नेशन ही दे दिया कि छोड़ो ये बवाल। एक तरफ लोग कहते हैं कि भाई ज़मीन की क्या ज़रूरत थी, दूसरी तरफ मनमोहन सिंह हमको धमका रहा है कि लिख के दो कि ज़मीन की हमको कोई ज़रूरत नहीं है।
तो ऐसे में अब मंदिर के ट्रस्टियों को ये लोग धमकाना शुरू करेंगे कि लिखो कि हम देश की मदद करना तैयार है, धर्म मंदिरों का सबसे पहला कर्तव्य होता है कि वो देश की मदद करे और हम वो सोना दे देंगे। अब वो सोना कैसे लेंगे, एक तो वो सोना सरकार खरीद लेगी, पर सरकार को सोना खरीदना है तो मार्केट से खरीदे, मंदिरों के पीछे भागने की क्या जरूरत है, मार्केट में बहुत सारे लोग सोना बेचने को तैयार है। आदमी सोना बेचता क्यों नहीं, उसकी मैं वजन बताता हूँ कि आज मान लो सोने का दाम 31,000 रुपया है 10 ग्राम का, मेरे पास 31,000 रुपया है, मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं फिक्स डिपॉजिट लेता हूँ तो उस पर मुझे मान लो 3,000 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा, उसमें 1,000 रुपया मुझे टैक्स में देना पड़ेगा, तो मेरे पास साल के दो एक साल के अंदर कितना बचा 31,000 और उसमें 2,000 ऐड होंगे यानी 33,000। अब जो सोना है उस पर इंटरेस्ट तो कुछ मिलने नहीं वाला, 1% वेल्थ टैक्स मानो मैं सब कुछ कानूनी करता हूँ तो मुझे 300 रुपया जितना वेल्थ टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन यदि सोने का दाम में यदि 8% से ज़्यादा एप्रिसिएशन होता है साल के अंत में तो मेरे पास 3,000 मतलब 32,000 से ज़्यादा रुपया मिलेगा। मान लो सोने का एप्रिसिएशन 10% हुआ तो 33,000 माइनस 300 मैंने वेल्थ टैक्स चुकाया तो मेरे पास जो फिक्स डिपॉजिट में मेरा पैसा उससे मेरे पास ज़्यादा पैसा मिलेगा। यानी यदि बड़े पैमाने पे इन्फ्लेशन होने वाला है या तो रुपये के दाम गिरने वाले या तो सोने का दाम बढ़ने वाला है तो ऐसी परिस्थिति में सोना रखना ज़्यादा फायदेमंद है। तो इसलिए अधिकतर मंदिर है वो सोना बेचना नहीं चाहते, तो उनसे जबरदस्ती सरकार कहती है कि तुम सोना बेचो और ये सोना मार्केट में आएगा तो सोने के दाम कम होंगे, इंपोर्ट कम होगा, डॉलर बचेंगे, इस तरह से। अब बड़े पैमाने पे हो सकता है कि सरकार सोना ले ले मंदिरों से और जो डॉलर का डेट है $300 बिलियन का वो चुकाने के लिए इंटरनेशनल मार्केट में सोना बेचना शुरू कर, इस तरह से सारा सोना अमेरिका चला जाएगा। अब पहली बात तो डॉलर इतना डेट क्यों हुआ, क्योंकि बेहताशा इंपोर्ट चल रहा है, सरकार BMW पे भी टैक्स डालने को तैयार नहीं है, ऑडी पे भी टैक्स डालने को तैयार नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स पे कस्टम ड्यूटी नहीं डालनी, तो इंपोर्ट बढ़ रहा है, देश में अदालतें में दो दो तीन तीन साल जजमेंट नहीं आ रहा, इसलिए फैक्ट्रियां बंद हो रही है एक के बाद, या तो एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रही, एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रही इसलिए हमारा एक्सपोर्ट दिन ब दिन गिर रहा है। इंडिया में बहुत सारे जैसे कपड़े का एक्सपोर्ट, तो उसमें बांग्लादेश भी आगे बढ़ रहा है, श्रीलंका आगे बढ़ रहा है, इंडोनेशिया आगे बढ़ रहा है, हिंदुस्तान प्रोपोर्शनेटली आगे नहीं बढ़ रहा इतना। इलेक्ट्रॉनिक्स का यहाँ पे प्रोडक्शन शुरू ही नहीं हो रहा, सेमीकंडक्टर चिप्स कुछ है ही नहीं, थोड़ा बहुत जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया में बनता है वो भी असेंबल्ड है। तो जो सरकार के गलत पॉलिसीज़ है ढेर सारी, मतलब मैं 100 गिनाऊंगा, 2 घंटे का वीडियो 4 घंटे का वीडियो बन जाएगा, उसकी वजह से डॉलर का इतना बड़ा डेट हो गया, डॉलर की इतनी बड़ी करंट डेफिसिट हो गई, और अब सरकार मंदिरों का दोष निकाल रही है। सरकार मतलब ये 3-4 मंत्री, रघुराम राजन अमेरिका का एजेंट, वो मंदिरों को लूटने के लिए मंदिरों का दोष निकाल रहे हैं कि भाई डॉलर का डेट इसलिए हो रहा है क्योंकि मंदिरों ने इतना सोना दबा के रखा है, मंदिरों ने इतना सोना दबा के रखा है। उनकी नज़र चर्चों के ज़मीन पर नहीं जा रही, ऐसा कहते हैं, मुझे ठीक से डेटा किसी के पास नहीं ऑफिशियल डेटा कि अंग्रेज़ों के टाइम पे अंग्रेज़ों ने इतनी सारी ज़मीनें दी थी चर्चों को कि अर्बन एरिया में, शहरी एरिया में सरकार के बाद दूसरा नंबर चर्च का आता है ज़मीन की मालिक में। तो सरकार ये नहीं कह रही कि भई ये ज़मीन सरकार को दे दो और सरकार उसको बेच के पैसा लाएगी और सरकार उसका उससे सोना खरीद के या डॉलर खरीद के विदेश का डेट भुगतेगी। रूरल एरिया में सबसे ज़्यादा ज़मीन मंदिरों के पास है, पर शहरों में वक़फ़ के पास भी बहुत सारी ज़मीन है क्योंकि मुग़लों के समय से बहुत सारी ज़मीनें उन्हें गिफ्ट में मिली है। तो मंदिरों में बहुत सोना है, मंदिरों में बहुत सोना है, मंदिरों को सोने की क्या ज़रूरत है, भाई चिदंबरम को पूछो, उसके पास 50 लाख रुपये का सोना रखने की क्या ज़रूरत है, एक एक मंत्री के पास इतना सोना है, इतनी ज़मीन है, इतनी कंपनियां, कितनी ज़मीन है, उसका डेटा भी वो नेट पे रखने को तैयार नहीं है। अब कहने के लिए तुम हर एक आदमी को कह सकते हो कि तुझे इसकी क्या ज़रूरत है, तुझे इसकी क्या ज़रूरत है,
मैं आपको कह सकता हूं कि आपके शर्ट की कीमत क्या है, मेरे शर्ट की कीमत 400 रुपया है, अब हो सकता है आपके शर्ट की कीमत 1000 रुपया हो, तो क्या आपको 1000 रुपये का शर्ट नहीं पहनना चाहिए, मेरी तरह 400-450 का शर्ट पहनना चाहिए पूरे इंडिया को। बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो 100 रुपये का शर्ट पहनते हैं, तो क्या मुझे भी ये पूछ सकते हो कि भाई 400 रुपये का शर्ट पहनने की क्या ज़रूरत है, तुझे पिक्चर देखने की क्या ज़रूरत है, तुझे पिज़्ज़ा खाने की क्या ज़रूरत है। अरे भाई मंदिरों की मर्जी, उसको सोना रखना है तो सोना रखे, उसको कुछ और का, मेरे हिसाब से उनको सोना नहीं रखना चाहिए, पर वो मेरा अपना ओपिनियन हुआ है। मैं बाद में बात करूँगा कि अब ये मंदिरों की वेल्थ की कैसे रक्षा हो सकती है हिंदू कम्युनिटी ट्रस्ट एक्ट और उसका। पर जो पेड मीडिया है और ये जो 3 अमेरिका के एजेंट है, चिदंबरम चोर, मनमोहन IMF का एजेंट और ये नया IMF का एजेंट आया रघुराम राजन, उन्होंने एक तरह से मंदिरों को विलन की तरह प्रोजेक्ट करना शुरू किया, जैसे मंदिर है वो कोई चोर है, डकैत है, गुंडा है, खूनी है, कि इतना सारा सोना मंदिर के पास है, भाई लूट के तो नहीं लाए, भक्तों ने खुद अपनी मर्जी से दिया है, तो ये सोने के बदले में करेंगे क्या, या तो पैसा देंगे, तो पैसे के दाम तो साल के बाद आधा हो जाएगा, इतना ही इन्फ्लेशन होने वाली है कि लोग जो 30,000 में सोना खरीद रहे हैं वो कैलकुलेशन से खरीद रहे हैं कि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ने वाला है, और इन्फ्लेशन बढ़ ही रहा है, हमारी आंखों के सामने बढ़ रहा है इतना। अब दूसरा एक तरीका निकाल रहे हैं कि गोल्ड बॉन्ड देंगे। अब गोल्ड बॉन्ड गलती से मत लेना, जहर पीना है तो पी लो, लेकिन कभी गोल्ड बॉन्ड मत लो। पिछले 500 साल की पूरी दुनिया का इतिहास है कि जिसने गोल्ड बॉन्ड लिया उसको अंत में टोपी ही मिली है। जो सरकार या जो कंपनी, प्राइवेट कंपनी गोल्ड बॉन्ड छापती है, मैच्योरिटी के टाइम पे, पिछले 500 साल का इतिहास है कि जब अमाउंट बड़ी हो जाए तब उसके पास 5% गोल्ड भी नहीं होता, जितने उसने गोल्ड बॉन्ड इश्यू किए होते हैं उसका 5% गोल्ड भी उसके पास नहीं होता, तो एंड में वो टोपी दे देती है कि जाओ तुमको गोल्ड नहीं मिलेगा, जो करना है कर लो, ये लेना हो तो लो, ये लेना है तो लो, ये लेना है तो लो, वरना कुछ नहीं मिलेगा, और एंड में उसको पैसे मिलेंगे, भगवान जाने कितने पैसे मिलेंगे। तो गोल्ड बॉन्ड किसी हालत में किसी को नहीं लेना चाहिए, मंदिरों को तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन मंदिरों के ट्रस्टियों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उनको पैसे भी देंगे कि तुम इतना 100 करोड़ का सोना दो, बदले में 1-2 करोड़ ले लो हमसे, इस तरह से सोना लूटा जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, मैंने जो प्रस्ताव दिया है वो कि हमें MP को SMS से ऑर्डर भेजना चाहिए, राइट टू रिकॉल रिजर्व बैंक गवर्नर ऑफ इंडिया का ड्राफ्ट गैजेट में छापा जाए। ये मेरी राइट टू रिकॉल पार्टी का मैनिफेस्टो है, आपको वेबसाइट पे फ्री में मिलेगा। आपको यदि प्रिंट कॉपी चाहिए, पूरे 550 पेज का है, आपको यदि प्रिंट कॉपी चाहिए तो इसकी कॉस्ट है 100 रुपीज़ प्लस 160 रुपीज़ कुरियर, 160 रुपया कुरियर चार्ज, यानी 260 रुपया। आपको एड्रेस वगैरह मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा, आप मुझे चेक भेजिए तो मैं आपको कॉपी भेज दूंगा। पर इसका इंटरनेट पे फ्री डाउनलोड आपको मिलेगा, rahulmehta.com/301.htm। मैं रिपीट करूंगा, rahulmehta.com/301.htm। इसमें चैप्टर है, चैप्टर 9, और दूसरा है रिजर्व बैंक के ऊपर चैप्टर 23। चैप्टर 9 में मैंने राइट टू रिकॉल रिजर्व बैंक गवर्नर का ड्राफ्ट दिया है, सेक्शन 9.3 में। ये ड्राफ्ट यदि गैजेट में छप जाता है तो प्रजा रिजर्व बैंक के गवर्नर को बदल सकती है, तो हम ये IMF का जो एजेंट है रघुराम राजन जो चढ़ बैठा है, उसको हटा के किसी ईमानदार को या कम बेईमान आदमी को, जो कम से कम मंदिरों का पैसा ना लूटे, ऐसे आदमी को हम रिजर्व बैंक का गवर्नर बनाए, तो ये लूट रुक जाए। और साथ में हमें और भी, तो हमें ऐसे MP को SMS से ऑर्डर भेजना चाहिए कि प्लीज़ प्रिंट राइट टू रिकॉल रिजर्व बैंक गवर्नर ड्राफ्ट इन गैजेट। एक ये ऑर्डर हो गया। मैं आपको हुक्म करता हूँ कि आप राइट टू रिकॉल रिजर्व बैंक गवर्नर का ड्राफ्ट गैजेट में छापिए, MP का नंबर आपको लोकसभा के वेबसाइट पर मिल जाएगा। उसके बाद सेक्शन 6.6 में मैंने राइट टू रिकॉल PM का ड्राफ्ट दिया है कि प्रधानमंत्री को नौकरी से निकाल सके, और राइट टू रिकॉल फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये 3 ड्राफ्ट आने से मंदिरों का सोना बच जाएगा।
उसके बाद मेरी प्रपोजल है राम जन्मभूमि वाले चैप्टर पे कि कौन से कानून से भारत में राम जन्मभूमि बन सकता है, चैप्टर 35। उसमें मैंने प्रपोजल दिया है नेशनल हिंदू कम्युनिटी ट्रस्ट एक्ट। नेशनल हिंदू कम्युनिटी ट्रस्ट एक्ट क्या है, वो SGPC की तरह है। SGPC क्या है, सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, आप गूगल कीजिए, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसका जो हेड है वो कैसे अपॉइंट होता है, वो इलेक्ट होता है, इलेक्टेड होता है। इलेक्शन कौन करता है, देश में जो 2 करोड़ सिख है वो। SGPC में एक वोटर लिस्ट होती है, देश के सारे सिख 1 करोड़ 2 करोड़ जितने भी है वो उस वोटर लिस्ट में मेंबर होते हैं। उनका नाम होता है, फोटोग्राफ होता है, एड्रेस होता है। SGPC के अंदर एक इलेक्शन कमीशन है उनका, वो इलेक्शन कंडक्ट करता है। गुरुद्वारा में जाके लोग वोट देते हैं, उससे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के हेड, उनके कमेटी के मेंबर, उन सबका चुनाव होता है। उनकी टर्म होती है 3 साल की 5 साल की, उसमें रिपीटेशन एनकरेज नहीं करते, नए नए लोग आते रहते हैं। तो इसी तरह से मंदिरों का होना चाहिए, नेशनल हिंदू कम्युनिटी ट्रस्ट एक्ट, जिसके अंदर में 4 मंदिर होंगे, कश्मीर का अमरनाथ, राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ और मथुरा जन्मभूमि। अब आप पूछोगे ये काशी विश्वनाथ क्या है, मथुरा जन्मभूमि क्या है, आप गूगल कीजिए मिल जाएगा। विश्व हिंदू परिषद ने यहाँ पे मंदिर बनाने के लिए 1987 में मुहिम छेड़ी थी, जो कि विश्व हिंदू परिषद ने ईयर 2000 में वाजपेयी की सरकार आने के बाद ख़त्म कर दी। अब विश्व हिंदू परिषद वाले भी भूल गए कि काशी विश्वनाथ क्या है और कृष्ण जन्मभूमि क्या है मथुरा की। वो दो मंदिर थे, दोनों के दोनों औरंगजेब ने तुड़वा के वहाँ पे मस्जिद बनवाई थी। उसके पूरे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि औरंगजेब ने किस तारीख को तुड़वाई थी वगैरह वगैरह। उसके बाद स्टे, तो वो जो नेशनल हिंदू कम्युनिटी ट्रस्ट है उसमें पूरे हिंदुस्तान का हर एक हिंदू उसके वोटर लिस्ट में होगा और वो अपने हेड चुनेंगे, नेशनल हेड, और वो नेशनल हेड वो डायरेक्ट इलेक्शन से आएगा और उस पर राइट टू रिकॉल होगा। स्टेट हिंदू कम्युनिटी ट्रस्ट, उसमें उस स्टेट के हिंदू होंगे, उसके पास सारे मंदिर नहीं आएंगे, जो मंदिर प्राइवेट है ट्रस्ट के पास है वो वहीं रहेंगे, उनको छीनने की बात नहीं है। पर जो मंदिर अभी गवर्नमेंट के अंडर में है वो स्टेट हिंदू कम्युनिटी ट्रस्ट के पास जाएंगे, उसके हेड उस राज्य के हिंदू चुनेंगे और वो रिकॉलेबल होंगे। और उसके बाद सेक्ट हिंदू कम्युनिटी ट्रस्ट एक्ट, यानी कि अलग अलग सेक्ट है, स्वामीनारायण, आशाराम बापू, जितने भी सेक्ट है, वो सेक्ट अपना एक ट्रस्ट बनाएंगे। उस सेक्ट का जो भक्त है वो उसका मेंबर होगा, लेकिन वो मेंबरशिप ओपन नहीं है, बाय बर्थ नहीं है, गारंटीड नहीं है। उस सेक्ट में आदमी कहेंगे कि हाँ आप हमारे सेक्ट के हो, तभी आप उसके मेंबर बन पाओगे। जो नेशनल हिंदू कम्युनिटी है उसमें मेंबरशिप हर एक हिंदू की गारंटीड है, बाय बर्थ है, और सेक्ट के सारे मंदिर ये चलाएंगे। तो इससे फर्क क्या पड़ेगा कि मंदिरों में अपने आप सोना रखने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। मंदिरों में जो दान आएगा वो दान का पैसा वो कम्युनिटी वेलफेयर में खर्च करेंगे। कम्युनिटी वेलफेयर का मतलब क्या हुआ, कम्युनिटी का सबसे बड़ा फंक्शन होता है कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं, कम्युनिटी के जो लड़के हैं, उनको हथियार चलाने का शिक्षण दिया जाए। सारे हथियार AK-47 से लेके, टैंक से लेके, जितने भी ये हथियार है उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए, उसको चलाने का एजुकेशन दिया जाए। उसके बाद मैथ साइंस एजुकेशन, फिर गरीबों को दवाइयाँ देना। तो अपने आप ये जो सोना होर्डिंग करने की टेंडेंसी है वो ये इलेक्शन सिस्टम आएगा टेम्पल पर तो कम हो जाएगी और कम्युनिटी वेलफेयर का काम शुरू हुआ। आज से 2300 साल पहले 2400 साल पहले मंदिरों में सोना होता ही नहीं था, वैसे मंदिर ही नहीं होते थे, आश्रम ही होते थे। आप रामायण देखो, महाभारत देखो, तो मुझे बताओ पूरी रामायण में है कोई ऐसा मंदिर जहाँ पे किलो के हिसाब से सोना हो, टन के हिसाब से सोना हो, ऐसा एक भी मंदिर नहीं है, ऐसे एक भी मंदिर का विवरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उस समय ऐसे मंदिर होते ही नहीं थे जहाँ इतना सारा सोना हो। उस समय आश्रम होते थे, आश्रम में दान आता था, दान का क्या उपयोग होता था, हर एक व्यक्ति को शिक्षण देने में, हर एक व्यक्ति के लड़के को एजुकेशन देने में। कौन सा एजुकेशन, आप जितने भी आश्रम में देखो हर एक आश्रम में हथियार चलाना सिखाते थे। राम जी आश्रम में गए थे, वशिष्ठ मुनि के आश्रम में, वहाँ भी हर एक विद्यार्थी को हथियार चलाने का शिक्षण देते थे। रामायण में आपको उल्लेख भी मिलेगा कि जब सड़क पे आम आदमी निकलते थे तो भी वो हाथ में तलवार लेकर, मतलब तलवार हाथ में नहीं पर
कमर में तलवार रख के निकलते थे, हर एक आदमी के पास तलवार होती थी उस समय। राम का कोई भी फोटो ले लो तो उसमें उसके पास तलवार है, धनुष बाण है। कृष्ण का कोई भी फोटो ले लो तो सुदर्शन चक्र है, हनुमान का फोटो लो तो गदा है। शायद ही कोई ऐसे पात्र होंगे जिसके हाथ में विदुर है तो उसके हाथ में कोई हथियार नहीं है, पर ऐसे हजार में से एक या दो पात्र मिलेंगे कि जो 24 घंटा अपने पास हथियार नहीं लगते, वरना महाभारत के जितने भी पात्र है हर एक के पास 24 घंटा हथियार रहता था। सारे भगवान हमारे देख लो, दुर्गा तो उसके 10 हाथ है, 10 है, 10 हाथ में एक दो हथियार है। काली तो उसके हाथ में हर एक हथियार है। जो भगवान बाद में आए दमन के बाद, जब सब कुछ तहस नहस हो गया, वो यही कुछ भगवान है कि जिनके हाथ में हथियार नहीं है। वरना पुराने जितने भगवान हैं, विष्णु तो उसके एक हाथ में सुदर्शन चक्र है। अब जो आश्रम होते थे वहाँ पे दान आता था, दान का उपयोग क्या होता था, गायों को रखने के लिए होता था। गाय से जो दूध आता था वो गरीबों में मुफ्त में बढ़ता था, बाकी लोग खरीद के जाते थे। तो इसी तरह से सोने रखने की प्रथा कब शुरू हुई, मेरा एक दूसरे वीडियो है मैंने जिसमें ये डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि जब मंदिरों पे कम्युनिटी ओनरशिप, आश्रमों पे जो कम्युनिटी ओनरशिप थी वो ख़त्म हो गई और वहाँ पे इनहेरिटेंस शुरू हुआ और गुरु प्रथा शुरू हुई। इनहेरिटेंस यानी कि वो मंदिर का मैं महंत हूँ, मैं चीफ मैनेजर हूँ मंदिर का, और मेरे बनने के बाद मेरा बेटा ही चीफ मैनेजर बनेगा। यानी एक टाइम के बाद वो मालिकाना हक हो गया कि मंदिर मेरी प्रॉपर्टी है, मैं मरूंगा उसके बाद मेरा बेटा मंदिर का मालिक बनेगा। या तो गुरु प्रथा कि कुछ कुछ संप्रदायों में जो महंत है वो शादी नहीं कर सकता, तो ठीक है महंत शादी नहीं करेगा, लेकिन वो अपने जो गुरु है उसमें से किसी को बने, शिष्य है उसके जो 10-15, 100-200 उनमें से किसी एक को बनाएगा। तो एक तरह की चापलूसी की सिस्टम शुरू हो गई, हर एक शिष्य है वो गुरु की चापलूसी करेगा। तो गुरु प्रथा भी ठीक नहीं है, वो वारसाई इनहेरिटेंस से कम बुरी है। पर जो सिखों में सिस्टम है कि मंदिरों में इलेक्ट होते हैं हेड, वो ज़्यादा अच्छी है। ब्रिटेन में भी वही है बाय द वे, मैं आपको बता दूं, चर्च ऑफ इंग्लैंड का हेड कौन है, राजा। लेकिन राजा के पास तो कोई पावर होती नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है पावर सारी। तो हेड कौन हुआ, इफेक्टिव हेड कौन हुआ, प्राइम मिनिस्टर हुआ, और प्राइम मिनिस्टर को लोग चुनते हैं। वहाँ पे चर्च के अंदर पादरियों की अपॉइंटमेंट कौन करता है, बोर्ड में जो बोर्ड मेंबर होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, राजा। लेकिन राजा का मतलब क्या हुआ, प्रधानमंत्री यानी कैबिनेट। तो वहाँ का राजा है वो एक रिक्रूटमेंट बोर्ड अपॉइंट करता है, और वो रिक्रूटमेंट बोर्ड पादरियों की अपॉइंटमेंट करता है। यानी जो चर्च है वो एक तरह का नेशनल प्रॉपर्टी हो गया वहाँ पे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर उसका पूरा संचालन करता है। पर वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर लोगों के अंडर में, हमारा प्राइम मिनिस्टर अमेरिका का एजेंट है। यानी मैं ये नहीं कहता कि भारत के प्रधानमंत्री को हर जगह डाल दो, इसीलिए मैंने उसको सिस्टम को अलग किया। मैंने जो नेशनल हिंदू कम्युनिटी ट्रस्ट एक्ट की बात की, उसका पर्पस ही है कि वो वर्तमान प्रधानमंत्री से अलग हो और उसका जो हेड है उसको हिंदू इलेक्ट करेंगे और उसके ऊपर राइट टू रिकॉल होगा, ताकि विदेशी उसको दबा ना सके, विदेशी उसको खरीद ना सके। तो जब इस तरह का इलेक्टेड स्ट्रक्चर आएगा तो अपने आप होर्डिंग का काम कम हो जाएगा और कम्युनिटी सर्विस शुरू हो जाएगी। जैसे गुरुद्वारा में आप देखो तो टन के हिसाब से सोना होर्डिंग करने की टेंडेंसी नहीं है। उनको जो दान में पैसा आता है वो कम्युनिटी वेलफेयर में खर्च करते हैं। कम्युनिटी वेलफेयर में क्या क्या होता है, लड़कों को हथियार चलाने का शिक्षण दिया जाता है, एजुकेशन दिया जाता है, फिर शादियां होती है वहाँ पे, गरीबों को खाना फ्री में देते हैं, गरीबों को दवाइयाँ फ्री में देते हैं, ये सारे कम्युनिटी वर्क है। तो अपने आप इस तरह का कम्युनिटी वर्क शुरू हो जाएगा, लेकिन ये दूसरे स्टेज में है। अब तीसरी एक आर्ग्यूमेंट आ रही है कि मंदिरों को सोने की ज़रूरत क्या है। भाई मंदिरों को सोने की ज़रूरत है तो क्या ये मनमोहन सिंह जैसे गुंडों को दे दे, मंदिरों में सोना पड़ा है तो कम से कम गुंडों के हाथ में तो नहीं जा रहा ना। आप ये सोना उठा के तुम मनमोहन सिंह या ये रघुराम राजन को दे दोगे तो वो तो सारा अपने आका अमेरिका को दे देंगे, दूसरे दिन डॉलर ले आएंगे और डॉलर का करेंगे क्या, ऑडी खरीदो, मर्सिडीज खरीदो। जो बस सिस्टम था वो तोड़ दिया, बस सिस्टम तोड़ दिया तो लोगों को स्कूटर खरीदना पड़ा, गाड़ी खरीदनी पड़ी, तो पेट्रोल में पैसा फूक रहा है। हर साल $100 बिलियन जितना पेट्रोल नेट इम्पोर्ट हो रहा है। फिर ये केमिकल फर्टिलाइजर में सबसे बड़ी बढ़ा रही,
केमिकल फर्टिलाइजर में सब्सिडी बढ़ा दी, तो अब केमिकल फर्टिलाइजर का बड़े पैमाने पे इंपोर्ट हो रहा है तो वहाँ पे डॉलर बर्बाद हो रहा है। भाई क्या जरूरत थी केमिकल फर्टिलाइजर को सब्सिडी बना, ऊपर से केमिकल फर्टिलाइजर की सब्सिडी कम करो, जो मेरा एक दूसरा प्रपोजल है कि हर साल उसको 20% कम करो, तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की डिमांड बढ़ेगी तो गायों की कत्ल कम होगी। फिर मीट को सब्सिडी दी जा रही है, बहुत सारे तरीके हैं। अब ये सारे फिजूल खर्ची के काम हो रहे हैं बड़े पैमाने पे, उसकी वजह से डॉलर वेस्ट हो रहा है। जैसे अभी एक कानून पास किया सरकार ने कि हर जगह ट्रांसमिशन जो केबल का है वो डिजिटल होगा, तो उसकी वजह से वो डिजिटल बॉक्स मंगाना पड़ा। वो डिजिटल बॉक्स इंडिया में तो कोई बनाता नहीं है, तो चाइना में बन रहा है। चाइना वाले बेच रहे उसको 300 रुपये में, या केबल कंपनियाँ चार्ज कर रही है 1000 रुपया, 1500 रुपया, 1200 रुपया, 2000 रुपया। तो 17 करोड़ केबल कनेक्शन है, अभी तो सिर्फ अर्बन एरिया में आ रहा है, पर धीरे धीरे उसको सारे रूरल एरिया में भी बुलाने की बात चल रही है। तो पूरे इंडिया में कुछ 20 करोड़ जितने केबल कनेक्शन हैं, तो 20 करोड़ इंटू 300 यानी 6000 करोड़ का फॉरेन एक्सचेंज यहाँ डूब जाएगा। तो इस तरह से नए नए जो ये तुक्के लगा रहे हैं उसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज, आप जितना सारे मंदिरों का सोना लूट के सरकार को दे दोगे तो ये सरकार है वो 3-4 साल में फिर से वो सोना बेच के इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर लेगी, वो डॉलर सारे उड़ा देगी, तो 3 साल बाद ना मंदिरों के पास सोना होगा और हम जहाँ थे वहीं के वहीं रहेंगे। इसलिए मंदिरों का सोना सरकार को देने की बात है उसका विरोध हो, और साथ में हम ये हिंदू कम्युनिटी ट्रस्ट, नेशनल हिंदू का, ये सारे ट्रस्टों पर हम प्रयास करें ताकि वहाँ पे जब कम्युनिटी ट्रस्ट आए, हिंदुओं द्वारा चुने हुए अधिकारी आए जिनके ऊपर राइट टू रिकॉल हो, और वो तय करे कि इस सोने का क्या करना है। अंत में ये सोना मेरे हिसाब से बेचना चाहिए, सोना सलामत है व्यक्ति के हाथ में। व्यक्ति दान देने ही वाले हैं मंदिरों को, मंदिर है वो एक सोने का रोटेशन पंप, उसको पंप की तरह काम करना चाहिए, और वो करने वाला है। वो सोना बेच के जब कम्युनिटी का काम करेंगे, लोगों को हथियार चलाने का शिक्षण देंगे तो भारत में कम आतंकवादी घुसेंगे, मैथ साइंस का एजुकेशन देंगे, कानून का एजुकेशन देंगे, हमारी कानून की व्यवस्था सुधरेगी तो हमारे उद्योग धंधे बढ़ेंगे, लोगों की आय बढ़ेगी। अब लोगों की आय बढ़ेगी तो फिर से मंदिरों को डोनेशन मिलने ही वाला है। कभी भी जहाँ भी लोगों की इनकम बढ़ती है, फिर वो अमेरिका हो या भारत हो या कोई भी देश हो, वहाँ पे मंदिरों की, उनके मंदिरों की नहीं तो मस्जिदों की नहीं तो चर्चों की, उनकी इनकम अपने आप बढ़ती है। पर यदि वो इनकम का होर्डिंग शुरू हो जाए कि मंदिर है वो सब अपनी मुट्ठी में रखे, कुछ उसका उपयोग ही ना करे, तो वो कम्युनिटी धीरे धीरे कमज़ोर होनी शुरू हो जाएगी। पर वो उपयोग कम्युनिटी के एक्सपेंशन में, कम्युनिटी के स्ट्रेंथनिंग में, उसको मजबूत करने में, उसका विस्तार करने में, उसमें उपयोग होना चाहिए, न कि वो पूरा पैसा आया और तुमने ये मनमोहन सिंह और रघुरामन जैसे गद्दारों को दे दिया। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट क्या करूँगा कि आप एमपी को एसएमएस से ऑर्डर करो कि मंदिरों से सोना खरीदने की जो योजना है वो ख़त्म की जाए। दूसरा, उसको एसएमएस से ऑर्डर भेजो कि राइट टू रिकॉल रिजर्व बैंक ऑफ गवर्नर ऑफ इंडिया, राइट टू रिकॉल पीएम, राइट टू रिकॉल फाइनेंस मिनिस्टर, ये सारे ड्राफ्ट गैजेट में छापे जाए। उसके बाद हिंदू कम्युनिटी ट्रस्ट एक्ट, स्टेट हिंदू कम्युनिटी ट्रस्ट एक्ट, नेशनल हिंदू कम्युनिटी ट्रस्ट एक्ट, सेक्ट हिंदू कम्युनिटी ट्रस्ट एक्ट, वो सारे कानून गैजेट में छापे जाए, और राम जन्मभूमि कृष्ण जन्मभूमि अलग कानून के तरह से छापा जाए उसको। और प्राइवेट लेवल पे हमें ये इनिशिएटिव करना चाहिए। अब दूसरे नेता इस पे क्या कर रहे हैं, तो सुब्रमण्यम स्वामी ने ये मंदिर के सोना खरीदने का विरोध किया और उन्होंने साफ साफ बोला कि रिजर्व बैंक के गवर्नर के ऊपर राइट टू रिकॉल नहीं होना चाहिए। और उन्होंने जब रघुराम राजन ने सोना लूटने की बात की तो सुब्रमण्यम स्वामी ने उसको नौकरी से निकालने की कोई बात नहीं की। बीजेपी के एक भी एमपी ने इस नए गवर्नर को नौकरी से निकालने की बात नहीं की, और बीजेपी के एमपी भी राइट टू रिकॉल आरबीआई गवर्नर का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस के एमपी तो है ही बिके हुए, आम आदमी पार्टी से तो उम्मीद करना भी, वो तो आम आदमी पार्टी तो खुल के बोलती है कि मंदिरों का सोना सरकार में जमा कर दो। और
चलो मैं बोलता हूँ एक तरह से वो अपने आप में तो ईमानदार है, कभी कभी जैसे आम आदमी पार्टी ये अरविंद गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया कि भाई जो राम जन्मभूमि है वहाँ दोबारा मस्जिद बना देना चाहिए, जो थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर है दो चार मूर्तियाँ रखी है इधर उधर की वो सब हटा के दोबारा मस्जिद बना देना चाहिए। मैं कहता हूँ चलो कम से कम इस मुद्दे पे, सारे मुद्दे पे नहीं लेकिन इस मुद्दे से वो बीजेपी से कम बेईमान है। उन्होंने क्लियर तो कर दिया कि वहाँ दोबारा मस्जिद बना दो, गलत अच्छा नहीं लगा स्टैंड तो मत वोट दो, पर बीजेपी तो राम जन्मभूमि का राग पिछले 20 22 25 साल से गा रही है और हर साल वोट ले जाती है, वोट लेने के बाद रिश्वतखोरी करती है और मंदिर वहीं का वहीं अटका पड़ा है जहाँ 86 में पड़ा था या 92 में दो चार पत्थर लगे थे बस वहीं का वहीं मंदिर पड़ा हुआ है। तो इस मामले में मंदिरों का सोना है, बीजेपी चीख रही है कि मंदिरों का सोना बचाओ, पर मैं जिस तरह से राम जन्मभूमि के मुद्दे पे बीजेपी के एमपी बिक गए, ये सोने में जो मंदिर है उस पर भी बीजेपी के एमपी बिक जाएंगे, 2-5% दे देंगे उनको वो भी सारे बिक जाएंगे। तो जिन्हें मंदिरों का सोना बचाना है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी ये जो कैंपेन है कि सिटीजन सीधा एमपी को एसएमएस से ऑर्डर भेजे, इसको आप सपोर्ट करो, न कि बीजेपी को और न कि आम आदमी पार्टी को। धन्यवाद।